बात करेंगे पबजी की। जिस तरीके से लखनऊ में पबजी के लिए मां की हत्या कर दी गई, नाबालिग ने मां पर 6 गोलियां दागी हैं और 3 दिन तक शव के साथ रहा है नाबालिग। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां लखनऊ में पबजी के लिए मां की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, 6 गोलियां दागी गई हैं। बताया ये जा रहा है कि नाबालिग ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मां पर 6 गोलियां दागी हैं और इसके बाद 3 दिन तक शव के साथ रहा। इतना ही नहीं, खुलासे ये भी हो रहे हैं कि मां की हत्या करने के बाद बहन को डरा धमका करके दूसरे कमरे में बंद कर दिया, दोस्तों को बुला करके पार्टी की गई और जब आसपास के इलाके में बदबू फैलने लगी तब जा करके इससे पूरे मामले का खुलासा हुआ है और 3 दिन शव के साथ नाबालिग ने गुजारे हैं। ऐसे में मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं। और ये भी समझिए कि आखिरकार पबजी को लेकर के दीवानापन किस तरीके से बढ़ गया है, जहां 20 सितंबर 2020 वो डेट थी, 177 चीनी एप्स को यहां पर प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन बावजूद इसके पबजी अभी भी धड़ाधड़ खेला जा रहा है और पबजी दिमाग में इस तरीके से बच्चों के पैठ बना रहा है कि नाबालिग मात्र 16 साल के एक बच्चे ने अपनी मां पर 6 गोलियां दागी हैं और कत्ल करने के बाद 3 दिन तक शव के साथ रहा है, दोस्तों को घर बुलाता है, पार्टी करता है, बहन को डरा धमका कर दूसरे कमरे में बंद कर देता है और जब बॉडी डिकम्पोज होने लगती है तब जाकर के बदबू की वजह से आसपास के लोगों ने मिलकर के शिकायत की और पूरे मामले का खुलासा हो पाया। तो लखनऊ की ये खबर है, जहां 16 साल के एक नाबालिग बच्चे ने पबजी के लिए अपनी मां की हत्या कर दी है, 6 गोलियां दागी हैं और इस तरीके से मां को मौत के घाट उतार दिया है। पबजी की सनक लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पहले भी एक गेम आया था ब्लू व्हेल, जिसकी वजह से भी कई बच्चों ने सुसाइड किया या फिर ऐसी स्थिति बन गई। पबजी को लेकर दीवानापन इस कदर है कि अकाउंट के अकाउंट खाली कर दिए जाते हैं और अब देखिए एक बच्चे ने अपनी मां की हत्या कर दी गेम को लेकर के। पुलिस की तरफ से बताया गया कि बच्चा कहीं ना कहीं गेम खेलने के लिए इतना ज्यादा आतुर रहता था कि उसने इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। जब उसकी मां के द्वारा उसे रोका जाता था, बहस होती है और बहस होने के बाद 6 गोलियां दाग करके मां की हत्या। और हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ बयान सामने आया, सबसे पहले उसका जिक्र। पबजी गेम और मोबाइल का एडिक्ट हो चुका था और जो परिवार था वो उसे मना करता था। एक दिन पहले उसने पबजी गेम और तमाम चीज़ों के चक्कर में घर से 10,000 रुपये भी उसने चोरी किए थे, जिसको माँ ने पूछा कि ये पैसे कहाँ गायब हो गए, यानी कि ये पैसे तुमने लिए, घर में कोई था नहीं। तो उसके बाद उसको डांट पड़ी थी। तो इन तमाम रोक टोक से वो काफ़ी परेशान हो गया था, एडिक्ट हो गया था मोबाइल का, उसको मोबाइल के सिवा कुछ भी नहीं दिखता था। और इसीलिए उसने, जब उसकी माँ सो रही थी, तो उसने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से माँ के सर में गोली मार दी और उस ठीक उसके बगल में उसकी बहन सो रही थी, उस बहन को उसने उठा के दूसरे कमरे में सुलाया और साथ ही धमकाया कि अगर किसी से बताया तो उसकी भी हत्या कर देगा। और देखिए, मतलब इतनी हिम्मत और इतना दिमाग उसके अंदर, ये मोबाइल और तमाम चीज़ों से विकृत हो चुका था कि उस कमरे में जिसमें उसने माँ की हत्या की थी उसमें ताला लगा दिया, साथ में उसमें तमाम परफ्यूम छिड़क दिए और अपने दोस्तों के साथ अगले ही दिन वो पार्टी कर रहा था। तो समझा जा सकता है कि वो इन गेम्स के चक्कर में उसका दिमाग किस स्तर तक विकृत हो गया था। जो परिवार के लोग समझाते हैं कि जो मोबाइल और इंटरनेट के तमाम तरह से ऑनलाइन गेम्स हैं उससे बच्चों को अधिक से अधिक दूर रहना चाहिए और पबजी जैसे गेमों पर पहले ही बैन लग चुका है, तो आखिर किस तरह से वो इन गेमों का इस्तेमाल कर रहा था और अपने दोस्तों के साथ अपनी माँ की हत्या के बाद पार्टी भी कर रहा था और अपने पिता को उसने फ़ोन करके वीडियो कॉल करके बताया कि माँ की किसी ने हत्या कर दी है, वीडियो कॉल करके माँ की लाश भी दिखाई। तो तमाम चीज़ें उसके दिमाग में एक साथ चल रही थी। पुलिस ने जब उससे पूछ, नीरज, पूरे मामले में मतलब एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश की गई, पिता घर में नहीं थे, वीडियो कॉल किया जाता है और बताया ये जाता है कि किसी और ने मां की हत्या कर दी है।
बिल्कुल, देखिए उसने न केवल अपने पिता को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को गुमराह किया, बल्कि पुलिस को भी वो काफ़ी देर तक गुमराह करता रहा। उसने पुलिस से साफ तौर पर कहा कि माँ के संबंध जो है एक बिजली ठीक करने वाला मिस्त्री आता है उससे हो गए थे और इस वजह से उसी ने हत्या कर दी। जब पुलिस ने उस बिजली के मिस्त्री को बुलाया तो उसको कुछ पता नहीं था घटना के बारे में, वो सीधे थाने पहुँच गया और उसकी कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि वो कई महीनों से घर ही नहीं गया था। यानी कि उसने फुल प्रूफ प्लान बना रखा था कि किस तरह से उसे इस घटना से बचना है। वो सावधान इंडिया और ऐसे तमाम जो शोज आते हैं क्रिमिनल्स के वो काफ़ी देखता था, उसके जो मोबाइल की हिस्ट्री है उससे पता चला कि ऐसे तमाम शोज वो अपने मोबाइल पे लगातार देखा करता था, करीब 15 से 16 घंटे वो मोबाइल का इस्तेमाल करता था। तो अब देखिए मोबाइल का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से बच्चे करते हैं तो वो कितना खतरनाक हो जाता है, और जिस समय ऑनलाइन क्लासेस या इस तरह की चीज़ें चल रही थी तो बच्चों के हाथ में मोबाइल पहुँच गया था। और अब जो यहाँ पर जांच का एक और विषय भी जी बिल्कुल है। आप देखिए तमाम जो परिवार हैं जिनके बच्चे सितंबर 2020 वो डेट जब भारत सरकार ने कई सारे चीनी ऐप्स को यहाँ पर बैन किया था, लेकिन पबजी भी उसमें शामिल था। 2022 दो साल बाद क्या पबजी अभी भी बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है? चीनी ऐप जो बैन कर दिए गए थे वो भारत में किस प्रकार से संचालित हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं जाँच का विषय है। बिल्कुल देखिए ये जांच का बहुत बड़ा विषय है कि इस तरह के जो खतरनाक गेम्स हैं जिसमें टारगेट पूरा करना होता है, जिसमें पैसे लगाए जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे घर से चोरी करके इस तरह के ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ये कितना खतरनाक होता है। और इस घटना ने न केवल राजधानी के जो पेरेंट्स हैं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के पेरेंट्स को इस सोचने पर मजबूर कर दिया है कि घर में जो बच्चे मोबाइल देख रहे हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है भविष्य के लिए। तो अब इस न्यूज़ को देखकर परिजन भी, जो तमाम परिजन हैं जिन्होंने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल्स दे रखे हैं, वो भी काफ़ी डरे हुए हैं। फिलहाल बच्चे के जो पिता है वो पश्चिम बंगाल में तैनात है, सेना में नौकरी करते हैं, वो उनको बुलाया गया है और फिलहाल बच्चे को पुलिस की कस्टडी में रखा गया है और उसको उससे पूछताछ की जा रही है। अभी आगे कौन कौन सी जांच के जो पहलू हैं वो शामिल किए जाएंगे पुलिस की तरफ से, क्योंकि जो बच्चा है वो नाबालिग है, तो ऐसे में आगे प्रक्रिया जो है वो किस ओर बढ़ेगी? देखिए नाबालिग बच्चों के लिए नियम अलग हैं, उन्हें जुनाइल जेल में भेजा जाता है। और इसी तरह की एक वारदात राजधानी लखनऊ के पौश इलाके हजरतगंज में करीब 1.5 साल पहले घटी थी, जब अपने भाई और अपनी मां की एक जो शूटर लड़की थी उसने हत्या कर दी थी हजरतगंज इलाके में, तो उसे भी जुनाइल जेल भेजा गया था। और ये घटना भी बताती है कि किस तरह से जो मासूम बच्चे हैं धीरे धीरे मोबाइल की गिरफ्त में आ रहे हैं और मोबाइल के जो ऐसी गेम्स हैं जो लोगों को टारगेट और पैसे खर्च करने पर मजबूर करती है, घर से बच्चे चोरियां करने लगते हैं, तो ये एक बड़ी सीख उन माता पिता के लिए भी ये घटना दे जाती है जो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि उनके बच्चे कितनी देर तक मोबाइल पर काम करते हैं। मोबाइल जरूर दें लेकिन ध्यान रखें कि उनका बच्चा मोबाइल पर आखिर कर क्या रहा है। बिल्कुल नीरज, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ संजीव भी दिल्ली से जुड़ गए हैं। संजीव, जिस तरीके से पूरे मामले में गुमराह करने की भी कोशिश की गई है, उस बच्चे की 16 साल के नाबालिग की मानसिक स्थिति को भी समझा जा सकता है कि आखिरकार खेल को लेकर के यहाँ उसके मन में दीवानापन किस कदर था कि खेल के लिए माँ की हत्या तक कर दी उसने। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप जो छोटे बच्चे हैं चाहे वो किसी के घर में हो, चाहे आप देख सकते हैं कि तमाम अपने आसपास या अपने घरों में देखेंगे तो वहाँ पर भी छोटे बच्चे हैं आजकल मोबाइल से ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, मोबाइल को जब भी फ्री होते हैं मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आज मोबाइल को लेकर के जो बच्चों में क्रेज पैदा हो रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो जो पबजी गेम है, हालाँकि कई बार इस तरह के वाक्य सामने आए हैं कि पबजी गेम को लेकर के तमाम घटनाएँ सामने आ चुकी हैं, नाबालिग बच्चों ने खुदकुशी भी तक भी इस गेम को लेकर के कर ली है, कई हत्याएं भी इस तरह से जो है बच्चे कर चुके हैं। तो अभी एक नया जो प्रकरण लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर जो सामने आया है, तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल किस तरह से छोटे बच्चों को अपने गिरफ्त में लेता जा रहा है, उनको एक तरीके से किलर बनाता जा रहा है, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और ये हमारा जो जिस तरीके से बच्चों के मन में गेम्स को लेकर के क्रेज बढ़ रहा है वो माता पिता की चिंताएं भी बढ़ा रहा है। डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर आशुतोष आपका।
आपसे एक सवाल यही कि आखिरकार जिस तरीके से कोरोना के टाइम पर वक्त बदला है, पढ़ाई हो या शॉपिंग हो, हर चीज अब फोन पर निर्भर हो गई है। बच्चे इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि आखिरकार उन्हें फोन कैसे चलाना है। ऐसे में अब ये जो वाकया लखनऊ से आया है, उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या रही होगी कि खेल ने उसे अपनी ही माँ का हत्यारा बना दिया। देखिए, ये जो मोबाइल में गेम है ये बड़े एडिक्टिव होते हैं और इनका नशा बिल्कुल जैसे कोकीन का नशा होता है वैसा ही होता है। इन लोग साइकोलॉजी की भाषा में इसको बिहेवियरल एडिक्शन बोलते हैं। ये बच्चा भी निस्संदेह रूप से लंबे समय से मोबाइल खेल रहा था और एक तरीके से मानसिक रूप से नशे की शिकार में था। तो जब हम नशे में होते हैं तो हमने विभिन्न नशों के लोगों को देखा है कि आवेगशीलता बढ़ जाती है, इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है और ये घटना इम्पल्स में अचानक से आवेग में हो गई। उसके बाद वो बच्चा डर गया तो फिर डरा हुआ आदमी जिस तरीके से झूठ और कहानियां बुनना शुरू करता है उसने उस तरीके से वो सारी कहानियां बुननी शुरू करी है। बिल्कुल डॉक्टर आशुतोष, यहाँ पर माँ बाप को बहुत सजग रहने की जरूरत है आजकल। बिल्कुल, माता पिता को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चे जिस तरीके से स्कूल की पढ़ाई के नाम पर मोबाइल एक्सेस कर रहे हैं तो आखिरकार वो फोन पर कर क्या रहे हैं। लोग कभी भी मनोचिकित्सक के पास ये सोच करके नहीं जाते कि मेरा बच्चा बीमार नहीं है, ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर एक बच्चे को मोबाइल की लत लगती है तो उसे यहाँ पर रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने की आवश्यकता है। और ऐसे कई देश हैं जहाँ पर मोबाइल फोन के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल बढ़ रहा है, बच्चों में क्रेज बढ़ रहा है, उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। बिल्कुल, एजीएमसी में एक मोबाइल क्लिनिक शुरू करी गई थी 2-3-4 साल पहले। अभी वर्तमान में मुझे पता नहीं कि उस क्लिनिक की क्या स्थिति है, बट हम सभी लोग जो प्रैक्टिस में हैं, हम लोग रेगुलर इस तरीके के बच्चे देख रहे हैं जिनके अंदर व्यवहारात्मक समस्याएं, भावनात्मक समस्याएं मोबाइल के एडिक्शन के कारण बढ़ी हैं, मोबाइल के दुरुपयोग के कारण बढ़ी हैं। ऐसे में माँ बाप जो हैं, जो माता पिता हैं बच्चे के, वो किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं और किस तरीके से घर में ही बच्चों को रोक सकते हैं कि मोबाइल फोन को इतना ज्यादा एक्सेस ना करें जो कि उनका जो मानसिक संतुलन है उसे ही खराब करके रखते। देखिए, जैसे कोई भी नशा होता है, मान लीजिए हमारा बच्चा कोई नशा करना शुरू करे तो हम उसको कैसे समझाएंगे, उसको बताएंगे कि नशे के दुष्प्रभाव क्या है, थोड़ी मॉनिटरिंग रखेंगे, थोड़ा सुपरवाइज रखेंगे, थोड़ी वैल्यूज देने की कोशिश करेंगे कि इसको किस प्रकार से सही इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल आप देखिए बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को साथ में ड्रिंक करते हैं ताकि उनका बच्चा, क्योंकि हम ड्रिंकिंग नहीं रोक सकते तो हम सुपरवाइज ड्रिंकिंग कराते हैं बच्चों से। बिल्कुल, तो ऐसे ही मोबाइल का उपयोग तो नहीं रोका जा सकता क्योंकि अब ये ऐसी आवश्यकता हो गई है कि इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। लेकिन एक सुपरवाइज प्रयोग हम निसंदेह सिखा सकते हैं बच्चों को कि देखो ये इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसको इस तरीके से करना चाहिए, इसको करने के ये नुकसान है, ये फायदे हैं। इस प्रकार से बच्चों के साथ एक रेगुलर संवाद और सुपरविजन बनाए रखने को। तो सुपरविजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। संजीव का एक बार रुक कर लेते हैं। संजीव, जिस तरीके से ये वाकया लखनऊ से सामने आया है, ऐसे भी कई मामले पहले भी सामने आए हैं कि अगर बच्चे को गेम खेलने से रोका जाता है तो आत्महत्या जैसे प्रयास किए जाते हैं। यहाँ तक कि माता पिता के जो अकाउंट्स हैं गेम खरीदने के लिए बच्चे वो तक खाली कर देते हैं। क्या कुछ माता पिता पेरेंट्स जो हैं उनकी तरफ से बताया गया, क्या वो सुपरविजन करते हैं? जैसा डॉक्टर आशुतोष भी कह रहे हैं कि ऐसे में सुपरविजन बहुत आवश्यक होता है कि आखिरकार आपका बच्चा फोन पर कर क्या रहा है। बच्चा अगर मोबाइल में लगता है या मोबाइल कुछ देखता है तो उसमें उसका जो है देखभाल की जाए और देखा जाए कि बच्चा आखिर कर क्या रहा है और बीच बीच में उसके जो है जांच करते रहें, उससे बात भी करते रहें और उसको मोबाइल यूज़ करने के, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखने में अमूमन आता है कि या तो मोबाइल का यूज़ बच्चे गेम खेलने के लिए करते हैं या फिर कोई इस तरह की वीडियो या फिर इस तरह के गेम्स देखने के ज़्यादातर यूज़ होता है। लेकिन माँ बाप को भी ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि वो बताएं कि बच्चों को मोबाइल में क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। अगर बच्चों का इसी के साथ साथ एक रूटीन बनाएं, सुबह जल्दी उठें और उसके साथ उनको योग करने की जो दिशा है उस तरफ भी लेके जाएं कि जब बच्चे अगर योग करेंगे तो उनका माइंड, जो मस्तिष्क है, जो उनका माइंड है वो भी कहीं ना कहीं शार्प रहेगा और जो उनका जो माइंड है वो दूसरी तरफ जो जाता है वो हट जाएगा और वो अच्छी तरफ लगेगा। तो उनको जो धार्मिक एक्टिविटी है उसमें भी हमें लाना पड़ेगा और इसी के साथ साथ उनको योग की तरफ भी लेकर के आना पड़ेगा ताकि जो बच्चे। बिल्कुल संजीव, संजीव नीरज और डॉक्टर आशुतोष आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को समझाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो फोन की लत है वो किस तरीके से बच्चों को नुकसान पहुँचा रही है और कैसे इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो नुकसान की वजह से
माता पिता के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। तो ये ग्राफिक्स वाल के समझिए कि बच्चों को बीमार बना रहे हैं फोन, नर्वस सिस्टम में दिक्कत होती है, ज्यादा फोन अगर आप एक्सेस करते हैं तो नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। बहुत वक्त तक आप एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो बच्चों को बीमार बनाने में फोन का बहुत ज्यादा योगदान है। कोरोना के बाद से थोड़ा सा जो पढ़ाई का सिस्टम है वो बदला है, बच्चे कहीं ना कहीं फोन को एक्सेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन साथ साथ मोबाइल गेमिंग की लत भी होने लगती है और ऐसे में नर्वस सिस्टम में उन्हें दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। हमारे तमाम सहयोगी और साथ ही डॉक्टर आशुतोष भी जुड़े हुए हैं, नीरज लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक बच्चा अपनी ही माँ का कातिल बन गया है, अब क्या उसे मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा? पुलिस ऑफिसर जो हैं इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बच्चे ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया है उसको लेकर पुलिस अधिकारी यही कह रहे हैं कि वो एडिक्ट है और उसको कुछ नहीं समझ में आता कि जब उसके हाथ में मोबाइल होता है या उसको मोबाइल से कोई रोकता है तो उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आसपास के लोग भी कहते हैं कि वो एकांत में रहना पसंद करता है और जब भी इस तरह का एडिक्शन किसी बच्चे को होता है या तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, एकांत में रहना पसंद करता है, और अगर कोई उसको मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करता है तो वो अक्सर हमलावर हो जाता है या भिड़ जाता है अपने ही पेरेंट्स से। तो जब बच्चों में बदलाव इस तरह के देखे जाएं तो उन पर रोक लगानी चाहिए। बच्चे को पूरी तरह से मनोचिकित्सक से भी बात कराई गई है पुलिस के द्वारा, मनोचिकित्सक ने ही तमाम चीज़ें पुलिस को बताई कि आखिर ये घटना किस तरह से हुई। ये घटना एक उदाहरण है उन माँ बाप के लिए जो नहीं देख रहे हैं कि उनका बच्चा आखिर एक एक घंटे दो दो घंटे कमरे में बैठ के क्लास कर रहा है या फिर गेम खेल रहा है। तो धीरे धीरे जो एडिक्शन बढ़ रहा है उस पर नज़र किसी और को नहीं, माँ बाप को रखनी पड़ेगी और वक्त देना होगा बच्चों को। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सुबह उठकर योग कराना चाहिए बच्चों को और जो तमाम चीज़ें हैं इस तरह की चीज़ें, अगर बच्चों को परिवार के साथ बैठकर, क्योंकि हम खुद वक्त नहीं देते दे पाते हैं अपने बच्चों को, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि वो बच्चा जो है वो मोबाइल के उसमें आ जाता है कि उसके दुनिया जो है वो मोबाइल में सिमट के रह जाती है और उस दुनिया के बाहर जो लोग हैं वो उसे दुश्मन नजर आते हैं। लिहाजा किसी ने अगर उस पे बोला तो वो हमलावर हो जाता है। लखनऊ में घटी ये घटना बताती है कि किस तरह से एक मासूम बच्चा अपनी माँ का कातिल बन गया। बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से समाज से कटाव है वो कहीं ना कहीं फोन उसकी वजह बन रहा है। डॉक्टर आशुतोष, हम देखते हैं कि जो जीवन है अब वो काफी बदल रहा है या लोगों के जीने का तरीका बदल गया है, लाइफस्टाइल बदल गई है, ज्वाइंट फैमिली से लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं, और ऐसे में एक जो बच्चा होता है अगर उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है या फिर कहीं बाहर नहीं जाता है और उसके जो पेरेंट्स हैं उसे कंपनी नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके लिए एक जो दोस्त है वो मोबाइल बन जाता है। माँ बाप जो हैं उन्हें किस तरीके से आप यहाँ पर समझाना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों से इस कदर ना कटे कि उन्हें इस स्थिति में पहुँचना पड़े कि वो फ़ोन के ही नज़दीक चले जाएँ और बाकी जो समाज है उससे कटते जाएँ? देखिए, इसीलिए हम इन साइकोलॉजिकल कंडीशंस को साइकोसोशल पैथोलॉजी कहते हैं, साइकोसोशल समस्याएं कहते हैं, क्योंकि समाज में भी जो बदलाव हो रहे हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो समाज बदल रहा है, तकनीकी बदल रही है, लेकिन हमारे बच्चों के साथ जो संबंध हैं, जो बच्चों के साथ हमको जिस तरीके से लालन पालन करना चाहिए वो तरीके अभी पुराने ही हैं। तो डांट के, फटकार के, बहुत ज़बरदस्ती करके आप कोई काम नहीं करा सकते। आपको प्यार से बच्चों के साथ एक संवाद रखकर ही काम कराना पड़ेगा। और दूसरा, बच्चों को इस प्रकार के अल्टरनेट बिहेवियर्स में बिजी कराएं जो इस गेम की जगह ले सकें। खेलकूद हो सकता है, वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वो डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, गार्डनिंग है, इस प्रकार के जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको रिक्रिएशन में, गेमिंग की बजाय दूसरे रिक्रिएशंस में ले जाना चाहिए। तो सामाजिक एक्टिविटीज में पहले बड़े परिवार होते थे तो बच्चों का सामाजिकरण वहाँ हो रहा होता, पर अब अगर वहाँ सामाजिकरण संभव नहीं है तो सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक जगहों पर बच्चों को ले जाएं जिससे वो समाज के साथ कनेक्ट हों और रिलेशनशिप सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं समाज के दूसरे लोगों में भी एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करें जो वो वर्चुअली क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष, अगर ये कर पाएंगे तो शायद कुछ हद तक हम
बिल्कुल डॉक्टर आशुतोष, कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए आउटडोर गेम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, वो पूरी तरीके से अब खत्म होते जा रहे हैं। इंडोर गेम्स के नाम पर फ़ोन रह गया है और फ़ोन के नाम पर पबजी जैसे गेम रह गए हैं, और लखनऊ में जिस तरीके से ये पूरी वारदात सामने आई है, उस बच्चे का इंडोर गेम ज़्यादातर ऐसे हैं जिसमें दो लोग चाहिए। इंडोर गेम्स जो हैं उनमें ज्यादातर ऐसे गेम्स हैं जिनमें कम से कम दो लोग चाहिए। बिल्कुल। और जब दो लोग अवेलेबल ही नहीं है तो बच्चा इंडोर गेम्स कैसे खेलेगा? तो ऐसे में फोन जो है उनका साथी बन जाता है। लखनऊ में जो ये घटना हुई है, बच्चे का मेंटल स्टेट क्या रहा होगा कि उसने पहले तो सबको गुमराह किया, अपने पिता को वीडियो कॉल करता है, गुमराह करता है, पुलिस के सामने कुछ और बयानबाजी करता है। मात्र 16 साल का एक नाबालिग, जो कि उसे पता है कि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, बदबू फैलेगी, लोगों को पता चलेगा, परफ्यूम करता है। 16 साल की उम्र में उसने तमाम टीवी पर, फेसबुक पे, इंटरनेट पे तमाम तरीके की सूचनाएं देखी हैं जो उस उम्र को शायद आमतौर पे नहीं मिलती थी पहले। तो सूचनाएं उसके पास सारी हैं, पर वो जो कहानी बना रहा है, वो जो झूठ बोल रहा है, वो इसलिए नहीं कि वो शातिर है, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो डरा हुआ है। उसने जो घटना करी वो तो आवेश में कर दी, इंपल्स, अचानक से माँ ने मना किया होगा और लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और अचानक से उसने घर में, अच्छा एक चीज और यहाँ पर कि हमको घर में इस प्रकार के हथियार भी इतनी आसानी से सुलभ नहीं रखने चाहिए बच्चों के लिए। फिर आवेश में घटना तो कर दी, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि ये क्या हो गया, अब उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये तो ऐसी घटना जिसमें हम परिवार के भी लोगों का सहयोग शायद ना ले पाए, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, फादर क्या करेंगे क्या कहेंगे। तो वो डर इतना था कि वो कहानी बनाना शुरू हुआ, और जैसे ही डरा हुआ आदमी पुलिस के सामने आता है या ऐसी स्थिति में आता है, तुरंत कुछ चीजें सामने आ जाती हैं और कहानी सामने आ जाती है। बिल्कुल, ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर आशुतोष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।